हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा पिंक मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, 13 दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। सेकेंड वेडनेसडे को जो फिल्म ने कमाल किया, वो करीबन करीबन जो फिल्म ने अर्निंग की है, वो की है 1.53 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ तक का बिजनेस किया है इस फिल्म ने। और उसके बाद जो टोटल होता है फिल्म का, वो होता है 56.25 करोड़। जी हाँ, जो फिल्म बनी है अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म पिंक मूवी, ये 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, यानी कि 16 सितंबर को फिल्म रिलीज हुई थी। और ये राज रिबूट के साथ फिल्म रिलीज हुई थी। राज रिबूट कब की एक बॉक्स ऑफिस से हट चुकी है, उसका कलेक्शन कहीं ना कहीं धीमा हो गया था, बट कहीं ना कहीं जो पिंक मूवी है वो अभी तक स्टेबल बनी हुई है। पहले दिन जब फिल्म ने 4.32 करोड़ कमाया था, तभी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये फिल्म लॉन्ग रन के लिए जाएगी। दूसरे दिन फिल्म ने 7.65 करोड़ कमाया था और तीसरे दिन फिल्म ने सबको शॉक कर दिया था जब फिल्म ने 9.54 करोड़ कमाया था। और पहले वीकेंड में ही फिल्म ने 21 करोड़ का बिजनेस किया था। और जो बाकी जो वीक से मंडे, ट्यूजडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक इसने 3 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया। उसके बाद जो सैटरडे और संडे था, उसमें करीबन करीबन 5 करोड़ का बिजनेस किया, ऊपर का बिजनेस किया था। उसके बाद से जो मंडे, ट्यूजडे, अभी वेडनेसडे का आंकड़ा है, इन तीनों दिनों में फिल्म ने 1 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया है। तो कहीं ना कहीं 56.25 करोड़ एक अच्छा बिजनेस है और ये फिल्म ऑलरेडी एक सुपरहिट साबित हो चुकी है। इस फिल्म ने 100% प्रॉफिट अपना बना लिया है और फिल्म को अब जाके कहीं ना कहीं तीसरे वीक जो अब स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो जाएगा, तब से उसको एक दिक्कत होगी, क्योंकि अब एमएस धोनी के साथ उसकी टक्कर होगी। एमएस धोनी सिनेमा घर पे रिलीज हो चुकी है और बहुत बड़ी स्क्रीन्स पे रिलीज हुआ है, 4,500 स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज हुई है, तो वो फिल्म अब कहीं ना कहीं टक्कर देगी। और पिंक मूवी का जो एक बिजनेस का आंकड़ा है वो शायद कम हो सकता है, बट मुझे अभी भी यकीन है पिंक मूवी और 2 हफ्ता सिनेमाघरों में चलेगी। और बट ये तो इतनी तो बात है कि इस फिल्म को अब उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं मिलेगी जितनी इसे मिल रही थी, क्योंकि सेकेंड वीक में इस फिल्म के पास ज़्यादा कोई टफ कॉम्पिटिटर नहीं था बैंजो के अलावा, लेकिन बैंजो ने भी कुछ ज़्यादा खासा कमाल नहीं किया। उसके अलावा जो पार्श मूवी रिलीज हुई थी उसने भी कुछ कमाई नहीं की ज़्यादा, और डेज ऑफ टफरी रिलीज हुई थी एक छोटे बजट की फिल्म, उसने भी ज्यादा कमाई नहीं की थी। तो उसके चलते पिंक मूवी सेकंड वीक में अच्छी चल रही थी, बट थर्ड वीक में उसे एमएस धोनी से कड़ी टक्कर मिलने वाली, जिसके बाद इसका जो कलेक्शन का आंकड़ा है काफी कम होगा। जिस तरह से इसके कलेक्शन के आंकड़े तीसरे और चौथे वीक में आएंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और फिलहाल के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूं। कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो मैं आपको जरूर पहुंचाता रहूंगा। चलिए, तब तक के लिए बाय।